तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिकंदर मंसूरी और आप देख रहे हैं सिकंदर टैक फॉर यू। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका जो ईपीएफओ में जब भी आप बैंक डिटेल्स ऐड करते हो और वो हमेशा रिजेक्ट हो जाती है, आप बैंक डिटेल्स ऐड नहीं कर पाते हो और उसका रीज़न आता है ड्यू टू मिसमैच। दोस्तों ये किस वजह से ऐसा आ रहा है और आप हर बार जब भी ऐड कर रहे हो तो वो क्यों रिजेक्ट कर दे रहा है बैंक। दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर आपको मेरी दी गई जानकारी इन्फॉर्मेशन जरा सी भी अच्छी लगेगी तो सब प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि दोस्तों आप वीडियो को लाइक करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए इस तरह की नई नई वीडियो लेके आता हूँ। दोस्तों आपका जो बैंक डिटेल सबसे पहले जो रिजेक्ट होती है और उसमें हमेशा आपने देखा रहेगा नीचे लिख के आता है रिजेक्ट ड्यू टू नेम मिसमैच। अब आप ऐसे में ये सोचते होंगे भाई हमारी जो नाम है मिसमैच भी नहीं है, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? तो सबसे पहले आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक कर लेने, जैसे कि आपका सबसे पहले आपका आधार कार्ड पे जो आपका नाम है, स्पेलिंग है, वो स्पेलिंग एक एक स्पेलिंग चेक कर लेनी है। फिर आपने आपका जिस अकाउंट, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उसमें आपका नाम क्या है, उसकी स्पेलिंग क्या है, उसकी एक एक स्पेलिंग चेक कर लेनी है। अगर आपकी एक भी स्पेलिंग मिसमैच होगी तो बैंक की तरफ से ये रिजेक्ट हो जाता है। ये तो हो गया आपके नाम के बारे में। दूसरा आपके जो फैमिली में जो आपका फादर नेम है, मान लीजिए आपका नाम सही है फिर भी रिजेक्ट हो रहा है, तो उसका दूसरा रीज़न हो सकता है आपके जो पिताजी हैं उसकी जो नेम की स्पेलिंग है वो भी अगर मिसमैच होगी तो भी यहाँ पर रिजेक्ट किया जाता है। बहुत से लोग हैं दोस्तों, नाम तो सही होता है लेकिन फादर नेम की स्पेलिंग में मिसमैच का इशू होता है, नाम मतलब एक दो स्पेलिंग, एक दो वर्ड आगे पीछे होते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों 90% रिजेक्ट जो किया जाता है वो इसी वजह से किया जाता है। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करना है, पहले अपना जो आधार कार्ड है उस पर स्पेलिंग परफेक्ट चेक कर लेनी कि वो करेक्ट है क्या नहीं। अगर करेक्ट है तो आपको अपने ईपीएफओ में आके दोबारा एक बार केवाईसी कर लेना है। केवाईसी करने के बाद मतलब आधार कार्ड दोबारा अपडेट कर लो, फिर आपको अपने बैंक्स में जाना है, जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक में जाना है, उसको बोलना है जाने के बाद कि आपको यहाँ पर केवाईसी करनी है और जो स्पेलिंग है अगर वो मिसमैच हो रही है तो उसको करेक्ट करना है। तो आपको बैंक अकाउंट में डाल के जाने के बाद आपको कुछ फॉर्म्स वगैरह है जो सारे फिलअप्स कर लेने हैं और डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट कर लेना है। एक से दो दिन के अंदर आपका केवाईसी जो है दोस्तों परफेक्ट हो जाएगा और बैंक के सर्वर में जो भी आपकी डिटेल्स होगी वो सारी सर्वर में आपकी अपडेट हो जाएगी। फिर उस सारी चीज़ें होने के बाद 24 से 48 घंटे में आपको दोबारा बैंक डिटेल्स आपको अपडेट करनी है आपके ईपीएफओ में, 100% आपकी जो प्रॉब्लम है रिजोल्व हो जाएगी। ये 100% आपको गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ। आपने पहले ईपीएफओ में दोबारा अपडेट करना है आपके डॉक्यूमेंट्स सारी चीज़ें सर्वर पे, उसके बाद आपके बैंक में जाना है और बैंक में करेक्शन करवा लेनी है। और बैंक के सर्वर में जैसे ही वो अपडेट हो जाती है फिर आप जब ईपीएफओ में जाके अपना बैंक डिटेल्स ऐड करोगे तो आपका ये रिजेक्ट नहीं होगा, मिसमैच का इशू नहीं आएगा, आपकी जो प्रॉब्लम है 100% रिजोल्व हो जाएगी। आई होप दोस्तों मेरी दी गई जानकारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी। अगर दोस्तों आपको अभी भी कुछ भी क्वायरी है, डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। दोस्तों मैं मैक्सिमम लोगों को रिप्लाई करता हूँ। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।